हाँ सक्सेस तो हासिल हुई है, लेकिन जिन तरीकों से सक्सेस हासिल हो रही है वो गलत है। अपने साहबजादे से कहिए कि या तो वो अपने सलीके बदले या फिर मैं अपना रवैया बदल दूंगा। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझ पर इतना हक जता रहे हो। तुम हमेशा मेरे ऐसे ही बेटे रहने। तुम मुझसे बात मत करो, पर बिलीव मी मेरा बेस्ट फ्रेंड आज भी आर्य वर्मा है। लेकिन ये अच्छा नहीं लगता कि मैं राहुल के साथ बात करना बंद कर दूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम राहुल से बात नहीं कर रहे। प्रिंसिपल साहब, आपके दफ्तर में फाइलिंग कैबिनेट में आर्य वर्मा की फाइल है, उसमें हमें एक डॉक्यूमेंट की जरूरत है। डॉक्यूमेंट अगर उस वक्त नहीं रखा था तो अब रख दे। और प्रेम ने कहा कि ये उसका आखिरी फैसला है। और तुमने क्या कहा प्रेम से? पापा आप ऐसा मत करिए। बेटा मुझे ऐसा करना ही होगा, मुझे तुम्हारा एडमिशन उसी स्कूल में लेना होगा जहाँ आर्य अपना एडमिशन है। पर पापा मैं किसी और स्कूल में नहीं जाऊंगी। देखो बेटा, आप इतने बड़े नहीं हुए कि आप अपने फैसले खुद ले सकें। मम्मी पापा आपके लिए जो भी फैसला लेंगे उसमें आपका अच्छा ही होगा, है ना? और ये फैसला सिर्फ पापा का है, मम्मी का नहीं। मैं तुम्हारे इस डिसीजन के फेवर में नहीं हूँ। आराधना, कौन सी बड़ी बात है? स्कूल बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा? तुम्हारे कहने का मतलब है कि पूरे शहर में सिर्फ एक ही ढंग का स्कूल? तो आर्य अपनी स्कूल बदले, हम जानवी की स्कूल क्यों बदले? आर्य इंसिस्ट कर रहा है आराधना, उसने खुद मुझसे कहा है। दोनों बचपन के दोस्त हैं। राहुल जी का नया दोस्त है, अकेला स्कूल में हो जाएगा। राहुल के और दोस्त बन जाएंगे बेटा। आर्य के कितने दोस्त बनेंगे? जानवी, बेकार की बहस नहीं करते। ये तुम्हें बेकार की बहस इसलिए लग रही है क्योंकि बहस करने के लिए तुम्हारे पास कोई तर्क नहीं। आराधना, तुम जानते हो ये गलत, लेकिन बेकार की दलीलें देकर तुम इसे सही साबित करना चाहते हो। और जानवी पर भी तुम इसलिए चिल्ला रहे क्योंकि तुम्हारा ये गुस्सा तुम्हारी खुद की बेबसी पर। हाँ हाँ, मैं बेबस हूँ, मैं क्या करूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रेम और मेरी जाती जिंदगी में जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसका डायरेक्ट असर हमारे बिजनेस पर पड़ेगा। प्रेम का सही हो या गलत, मुझे उसका साथ देना होगा। जानवी, ये बताओ तुम्हारे और राहुल के बीच में कोई झगड़ा हुआ है क्या? मैं राहुल के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता। लेकिन आर्या को झगड़ा हुआ है तो बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा उसको। बेटा मुझे कुछ नहीं सुनना राहुल के बारे में। लेकिन आर्या, सॉरी, ना मैं कुछ सुन सकता हूँ ना मैं आपकी बात मान पाऊंगा। राहुल से मैं जिंदगी भर बात नहीं करूंगा। आप मेरे बड़े भैया जैसे हो, सपोज आपके साथ कुछ बुरा होता तो क्या मैं उससे बात करता? मैं तो उसे छोड़ता भी नहीं। अगर आप उससे प्यार करते हैं तो राहुल से बात करने की बात मत करना। ओके आर्य। भैया आप मुझे नाराज तो नहीं है ना? नो। आरी से बात हुई? जी, लेकिन मैं कुछ बात नहीं कर सका। जरा बात उसने की है। क्या कहा उसने? खालाजान, जैसे ही आर्या को पता चला कि मैं किस मकसद से आया हूँ, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं इस मामले में ना पढ़ूं। आर्या राहुल उसके फादर को लेकर इतनी नफरत उगलने लगा कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने आर्या का गुस्सा पहले कई बार देखा है, लेकिन ऐसा गुस्सा आज मैंने पहली बार देखा है। तो अब क्या करें? मेरे हिसाब से इस वक्त इस मामले में जिक्र करना ठीक नहीं होगा। थोड़ा समय बीत जाने दीजिए, उसके बाद आर्या को समझाया जा सकता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज़। Thank you.
अरे साहिन, आ रहा हूं मैं एक मिनट। साहिन क्या कर रहे हो, जल्दी बोलो, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं अम्मी, वो मैं कब से मैं आवाजें लगा रही हूँ, तुम ये दरवाजा बंद करके क्या कर रहे थे? अम्मी वो मैं लेटर नहीं लिख रहा था। साहिन मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम क्या नहीं कर रहे थे, मैंने तुमसे ये पूछा कि तुम क्या कर रहे थे? अम्मी वो मैं वो एक्सरसाइज कर रहा था मैं। देखे कितनी अच्छी पैसेज हो गया मेरी, एवरीथिंग रात के 9 बजे। अम्मी वो क्या है कि आजकल पढ़ते पढ़ते रात में लेट हो जाता है ना मुझे, तो सुबह उठ के मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता हूँ और मुझे कॉलेज जाना होता है, थोड़ा कि मैं आज रात में एक्सरसाइज कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हारे अब्बू तुम्हें बुला रहे हैं। अब चलिए मैं आता हूँ। अम्मी जाओ ना, मैं आता हूँ जल्दी। जी जी बच गया। राहुल बेटा, मैं सुजाता आंटी बोल रही हूँ। अच्छा हुआ आपने फोन किया आंटी, पापा को आपसे बात करनी थी। क्या बात थी? वो पापा आपको बताएंगे, एक सेकंड मैं पापा को बुलाता हूँ। पापा पापा राहुल, पापा बात सुन रहे हैं बेटा, किसका फोन है ना? मैं बात कर लेती हूँ ना। हेलो किसका फोन था? पता नहीं, किसी ने कट कर दिया। एनीवे कम। जानवी जानवी बेटा क्या है बेटा, रो रही हो? बेटा रुकी रुकी नहीं जाना। बेटा तुम्हें अच्छा लगेगा अगर आर्या दूसरे स्कूल में अकेला जाएगा तो? पर अगर मैं भी चली गई तो राहुल उस स्कूल में अकेला रह जाएगा। बेटा अब किसी एक को तो अकेला रहना ही होगा। मम्मी कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आर्या ये स्कूल छोड़कर ना जाए? नहीं बेटा, ऐसा होना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। मम्मी अगर राहुल और आर्या एक ही स्कूल में रहे ना तो लोगों की फिर से फ्रेंडशिप हो सकती है। हाँ बेटा, राहुल के पापा ने मुझसे कहा है कि शायद वो कुछ कर सकते हैं। मम्मी राहुल के फादर को फोन कीजिए ना। इस वक्त? हाँ मम्मी। बेटा बहुत देर हो चुकी है। प्लीज मम्मी। हेलो। हाँ नमस्कार मिसेस वर्मा, दरअसल मैं आप ही को फोन करने की कोशिश कर रहा था। रोहित जी मैं आराधना बोल रही हूँ, ये मिसेस वर्मा कौन है? आई एम सो सॉरी आराधना। अरे भाई मिसेस वर्मा आर्या की माँ, एक्चुअली मैंने उन्हें फोन करने की बहुत कोशिश की पर मोबाइल कोई उठा ही नहीं रहा था तो मैंने सोचा शायद वही मेरा कॉल रिटर्न कर रही है। क्यों आप उसे कोई मैसेज देना चाहते हैं? आप मुझे दे सकते हैं, मैं कन्वे कर दूंगी। आर्या को स्कूल से ना निकाला जाए इसकी तरकीब मैंने सोच ली है, बट दिस इज एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल, तो अगर तुम इसके बारे में किसी से जिक्र ना करोगी आई अप्रिशिएट इट। देखो शायद तुम जानती नहीं लेकिन जिस वक्त आर्या का एडमिशन हो रहा था ना एक छोटा सा प्रॉब्लम था। दरअसल वो अंडर एज था पर क्योंकि JDS इंटरनेशनल अकेडमी का मैं ट्रस्टी हूँ उसे एडमिशन दे दिया। पर एडमिशन देने के वक्त प्रिंसिपल साहब ने एक कंडीशन जरूर रखी थी। कंडीशन ये थी कि अगर आर्या स्कूल छोड़ना चाहता है तो स्कूल तभी छोड़ सकता है जब वो और उसका पूरा खानदान शहर छोड़कर कहीं पहुंच जाए। Which means
the ball is now from you to play for that school. That's a wonderful idea. इससे तो सारा problem solve हो जाएगा. हाँ, पर ये तभी मुमकिन है जब हमारे पास पिछले 6-7 साल पहले के रिकॉर्ड में ये कंडीशन दर्ज हो और वो भी मिस्टर वर्मा या मिसेस वर्मा के बैक टेकेड एक्सेप्टेंस लेटर के साथ. रोहित जी, आप उसकी चिंता मत करिए, वो काम मैं कर दूँ. मैं अभी उनसे फोन पे बात करती हूँ, फिर आपको फोन करती हूँ. ओके, John, be better. There is hope. Better. There is hope. तुम्हें सो जाना चाहिए था. इतने सालों से तुम्हें बगैर खिलाए मैं नहीं सोई, तो आज क्या सोऊंगी? खाना खा कर आया हूँ. मुझे फोन कर दिया होता, खाना नहीं बना. फोन करके तुम भी तो पूछ सकती थी. फोन करने की कोई खास वजह नहीं थी. पहले तो बिना किसी वजह के फोन किया करती थी, लेकिन अब तो वैसे भी तुम्हारे फोन इतने कम हो गए. सिर्फ फोन ही नहीं, हम दोनों के बीच काफी चीजों में कमी आ गई है. हेलो. हेलो प्रेम भैया, सुजाता भाभी हैं? हाँ बुलाता. सुजाता, तुम्हारे लिए आराधना का फोन है. हेलो सुजाता भाभी, प्रेम भैया के आसपास हैं? है क्यों? नहीं, मैं अभी जो कहने जा रही हूँ ना, उसे आप ध्यान से सुनिए, दोहराइएगा मत. बोलो. अच्छा भाभी, अभी अभी मेरी राहुल के पापा से बात हुई थी, उन्होंने प्रिंसिपल से बात की है और आर्य स्कूल ना छोड़े इसका एक रास्ता मिल चुका है. क्या? भाभी सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, क्या आर्य का एडमिशन कंडीशनल था? हाँ. हाँ, तो उन्होंने ये सोचा है कि उस कंडीशनल एडमिशन के पीछे ये कंडीशन रखी जाए कि आर्य बीच में स्कूल नहीं छोड़ सकता है. मतलब? भाभी आप वहां से कुछ मत बोलिए, सिर्फ मैं आपको बात समझाती हूँ, ओके? भाभी उस कंडीशन के पीछे जो बैक डेट है ना, भाभी अगर उसके साथ आपका एक्सेप्टेंस लेटर, ये माना जाए कि वो एडमिशन के वक्त दी गई, अगर वो मिल जाए ना भाभी, तो बात बन सकती है. ये बात तो सही है. बात तो ठीक है भाभी, पर अभी सवाल ये उठता है कि आप वो एक्सेप्टेंस लेटर देने को तैयार हैं? बिल्कुल. तो बस क्या सुजाता भाभी, हो गई ना बात, पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी. अच्छा मैं राहुल के पापा से फोन करके ये बात कन्वे कर दूं क्या? यू श्योर ना भाभी? ओके, थैंक यू भाभी. अच्छा भाभी आप जितनी जल्दी हो सके प्रिंसिपल से मिल लीजिए. हाँ ओके, बाय बाय. भाई ये तो कमाल हो गया, मुझे लगता था ये सिर्फ मेरे साथ होता है, लेकिन आज मालूम पड़ा कि तुम सबके साथ कम लफ्जों में बात करने लग गई. आरे कहाँ? फाइनल एग्जाम है तो बैठ के पढ़ रहे. अभी तक पढ़ रहे? अरे वाह, आप तो वाकई पढ़ाई कर रहे हैं, वेरी सीरियस है. हम कल से एग्जाम है पापा. बेटा एग्जाम तो आपने पहले भी दिए हैं, लेकिन आज से पहले आप इतने सीरियस तो कभी नहीं थे. पापा आप ठीक कहते हैं, मैं कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा हूँ. लेकिन बेटा आपको इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है कि आप अपने एग्जाम से डरने लगे. मैं एग्जाम से नहीं डरता पापा, मैं सीरियसली स्टडीज इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इस बार क्लास में फर्स्ट आना है. फर्स्ट आना क्यों? एवरी टाइम राहुल फर्स्ट आता था और मैं माइंड नहीं करता था, बल्कि मुझे अच्छा लगता था, पर इस बार मैं फर्स्ट आऊंगा. अरे वाह, ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात.
जस्ट लाइक योर फादर। दोस्ती की तो वो भी सात कदम बढ़ाकर, और दुश्मनी की तो उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं और राहुल पहले साथ एग्जाम्स के प्रेपरेशन करते थे, और उसे लगता होगा कि मेरे नंबर उसकी वजह से आते हैं, पर मैं उसको बता के रहूंगा कि मैं अकेला पढ़कर भी फर्स्ट आ सकता हूँ। बेटा, आज मैं तुम्हें अपने और राहुल के डैड के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे याद है जब मैं उनकी कंपनी में काम किया करता था, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता था जैसे वो थोड़े बहुत हजार रुपए जो मुझे मिला करते थे, मैं उसी के काबिल। एक दिन जरूरत आने पर मैंने उनसे कुछ पैसे मांगे तो वो झल्ला गए। उस दिन मैंने ठाना कि मैं उनकी गलतफहमी दूर करूँ। और फिर जब मैं अपने असल पद पर आकर खड़ा हुआ और उनके रूबरू आया, तो मेरी बराबरी करने के लिए उन्हें अपने पंजों पर खड़ा होना था, और आज भी वो अपने पंजों पर खड़े। दुनिया इसे दुश्मनी का नाम देती है, लेकिन ये मेरी तरफ से मेरे पहले बच्चे को और तुम्हारी तरफ से अपने बड़े भाई को मोहब्बत की थी। वो बेटा और वो भाई जो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं कहीं आस पास। एनीवे, तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं तुम्हें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ओके, राहुल, एग्जाम्स कब? कल से है ना? यस। इस बार इतनी पढ़ाई क्यों करनी पड़ रही? इस बार मेहनत करनी पड़ रही है। क्यों? लास्ट टाइम जब आर्या हमारे साथ होता था तो इकट्ठे पढ़ाई करते थे। बेटे, देखो बेटे, जब इंसान अकेला होता है ना, तो कोई भी काम ज्यादा मुश्किल लगने लगता है, पर वही काम अगर इंसान मिलजुल कर करता है तो आसान लगने लगता है। बाकी रहो, अकेलापन अच्छी चीज नहीं होती। पापा, याद है लास्ट एग्जाम्स में जब आर्या हमारे यहाँ नाइट से करने आता था, और कभी कभी मैं भी उसके घर चले जाता था, हम दोनों इकट्ठे प्रिपरेशन करते थे, और अगर साथ ना हो तो सारी रात फोन पर नोट्स एक्सचेंज करते थे। कुछ ऐसा तब भी हुआ करता था जब आर्य के फादर प्रेम वर्मा राजदान कंस्ट्रक्शंस के लिए काम करते थे। बेटे, उनके वक्त पर कंपनी ने काफी तरक्की की, इनफैक्ट बिजनेस मैं खूब एंजॉय करता था। और जब से प्रेम वर्मा ने राजदान कंस्ट्रक्शन छोड़ा है, तब से वही बिजनेस की कोशिश हो गया है। लेकिन यादों में खो गया। चलो, काफी लेट हो चुका है, अब तुम्हें सोना चाहिए। वैसे भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेरा होशियार बेटा जितनी भी पढ़ाई करेगा, स्कूल में फर्स्ट ही आएगा। हो सकता है इस बार आर्य फर्स्ट आ जाए।